क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या? से तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि ज्वाइन करने से पहले आप नहीं पूछ पाए कि हमको उम्मीदवार बनाइएगा कि नहीं? नहीं नहीं, पूछने का नहीं, ये तो ओपन सारा जग जाहिर है। हमको लगा कि उम्मीदवार बनाएगा? शुरू से हम कहते रहे, हम अब इस उम्र में पार्टी में झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे। ये नहीं मिलने से आप निराश हैं, नाराज हैं? नहीं, हमसे ज्यादा नाराज जो हमारे समर्थक थे, वोटर, वो नाराज हैं। लेकिन आज जो यशस्वनी शाह है जिनको उम्मीदवार बनाया गया, जो सुबोधकांत शाह की बेटी है, आपसे मिलने के लिए आई थी, आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, दिए आशीर्वाद? नहीं नहीं, सुन, राहुल गांधी का सोच है कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम तो सब तरह से फिट हैं, पर्सन जाति आधार पर, पिछड़ों के आधार पर, अनुभव का सब तरह से, तो बोले सब फिट है। तो क्या आप कांग्रेस में अभी हैं, आगे रहेंगे कि कुछ और मन बना रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो कांग्रेस में हैं, मगर हम न्यूट्रल रहेंगे। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि आप वहां जाकर ठगा गए, घर वापसी कर लीजिए। पिछली बार की तरह क्या इस बार आप निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं? लेकिन पिछली बार जब आप 2019 में निर्दलीय लड़े तो उस समय तो बहुत वोट आया नहीं, 30,000 के आसपास शायद आपका वोट था। यशस्वनी शाह की भी स्थिति आप ठीक नहीं मानते? नहीं, ठीक नहीं है अभी। नहीं, रांची से बीजेपी के 5 बार के सांसद रहे और कांके से 2 बार के विधायक रहे राम टहल चौधरी पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हो गए। चर्चा ये हुई कि कांग्रेस राम टहल चौधरी को रांची से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस ने रांची से अपना उम्मीदवार बनाया सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्वनी सहाय को। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ राम टहल चौधरी हैं। क्या ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या? से तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी में हम थे, टिकट नहीं दिया, हमने बीजेपी रिजाइन किया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था पिछली बार 19 में, और फिर 5 साल हम किसी पार्टी में नहीं गए। आम लोगों का, कार्यकर्ताओं का, आम जनताओं का दबाव था कि कहीं से कहीं आप चुनाव लड़िए, हम लोग बेसहारा हो गए हैं, अभिभावक विहीन हो गए हैं। हमने कहा कि कहीं उचित जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, अन्यथा चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, निर्दलीय तो लड़ेंगे नहीं। ये सब बात होते रही, इसी बीच में कांग्रेस वाला 6 महीना पहले लोग हमसे बात किए कि आप कहीं मत जाइए, अब आइए कांग्रेस में, और आप कांग्रेस से लड़िए। हम कहें नहीं, कांग्रेस कैसे लड़ेंगे, आपके यहाँ तो सुबोधकांत सहाय हैं ऑलरेडी, और वो छोड़ेंगे तो नहीं। तो आप सब नेताओं से बात कर लीजिए, सुबोध जी से बात कर लीजिए, तो फिर हम सोचेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मतलब हम किसी के यहाँ नहीं गए, वही लोग जितने कांग्रेस के लोग थे वही संपर्क हमसे किए, और फिर पार्टी के नेताओं से जिनको करना था वो किए होंगे। तो हम कहीं जब हम तभी ज्वाइन करेंगे जब फाइनल हमको सिग्नल मिलेगा, तभी ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे ज्वाइन तो हम करेंगे नहीं। तो वो लोग बात करते अंत में हाल में आप देखे किए होंगे, हमको कहा गया कि प्रभारी दिल्ली बुलाए हैं। तो फिर स्वाभाविक है, आपसे कुछ बातचीत हुआ तभी ना बुला रहे हैं। गए वहाँ तो हम कुछ बोलना चाहे उनसे, तो कहें कि नहीं आपका फीडबैक हमको कई महीना से मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। राहुल गांधी का सोच है कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम तो सब तरह से फिट हैं, पर्सन जाति आधार पर, पिछड़ों के आधार पर, अनुभव का सब तरह से, तो बोले कि सब फिट है। तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं जब आप ही सब बोल रहे हैं, और आपने जो क्राइटेरिया बताया कि जिसकी आबादी उसकी भागीदारी, तो बचा तो कुछ नहीं। तो हम बोले कि इसका मतलब है कि ये चाहते हैं। तो फिर दूसरे दिन कहें कि आप ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिए तो हमको विश्वास हुआ कि हम एश्योर हुए तभी ना ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हम ज्वाइन किए, ज्वाइन करने से पहले आप नहीं पूछ पाए कि हमको उम्मीदवार बनाइएगा कि नहीं? नहीं नहीं, पूछने का नहीं, ये तो ओपन सारा जग जाहिर है। हमको लगा कि उम्मीदवार बनाएगा। शुरू से हम कहते रहे, हम अब इस उम्र में पार्टी में झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, इसलिए ये तो सब जानता है। और हम जब कांग्रेस में गए तो आप देखे कि एयरपोर्ट में कितना भीड़ लग गया, सारे जगह जश्न, उन्होंने खुशी का लहर हो गया, आज इतना चुनाव लड़े, मगर इस बार का माहौल देखा हमारे प्रति, तो हम लोग ऐसे ही जीत गए। इतना प्यार हमको मिला, हर समाज, हर जात और हर पार्टी के अंदर के लोग भी मेरे साथ थे,
ये नहीं मिलने से आप निराश हैं, नाराज हैं? नहीं, हमसे ज्यादा नाराज जो हमारे समर्थक थे वोटर, वो नाराज हैं। हम क्यों कहना नाराजी है, हमको तो ऐसे भी लड़ने का शौक नहीं था, मगर हम जनता का जो दबाव था या वो जो महसूस कर रहे थे कि हम असहाय हैं, हम इसलिए निर्णय लिया कि अगर जगह मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो यशस्वनी सहाय जिनको उम्मीदवार बनाया गया, जो सुबोधकांत सहाय की बेटी हैं, आपसे मिलने के लिए आई थी, आशीर्वाद लेने के लिए आई थी, दिए आशीर्वाद? नहीं नहीं, सुनिए, वो तो जो भी कैंडिडेट होता है और हाँ। भी जो कैंडिडेट है वो भी आएंगे हाँ। तो ये तो एक औपचारिकता होता है, जो समझते हैं कि किन से आशीर्वाद में वो कैंडिडेट जाता है वो आते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप मतदाताओं से मिलिए, मतदाता आशीर्वाद देंगे, हम लोग तो क्या आशीर्वाद, मतदाता ही ना प्रमुख होता है और उसी के आशीर्वाद से जीत हार होता है, हम लोग जीतते हैं हारते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि उनके बीच में जाइए, मेहनत कीजिए। तो कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि निराश हैं, तो क्या आप कांग्रेस में अभी हैं, आगे रहेंगे कि कुछ और मन बना रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो कांग्रेस में हैं मगर हम न्यूट्रल रहेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, जहाँ उचित बुझाएगा न्यूट्रल होकर के फिर अपने इच्छा के अनुसार हम किसी को मदद करना होगा तो करेंगे। इसके पहले भी हम किसी पार्टी में नहीं थे तो जिसको MLA में मदद करना था हमने किया, तो उसी तरह से जहाँ देखेंगे कहाँ किसको मदद करना है नहीं करना है उस हिसाब से अपने लोगों के बीच। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाकर ठगा गए, घर वापसी कर लीजिए। नहीं, BJP वाले तो अब क्या कहें, अब 5 साल तो हमसे कोई कंसल्ट नहीं किया ना कोई बात किया, अभी कह रहे हैं तो देखेंगे क्या होता है। वो सब जो भी होगा, हम लोग हम तो अपने मन से कोई निर्णय लेते नहीं हैं, जो अपने कार्यकर्ता समर्थक से जो राय बनेगा आगे वही करेंगे। तो पिछली बार की तरह क्या इस बार आप निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं? नहीं, अभी तक ऐसा विचार नहीं है, अभी तक ऐसा, वो भी निर्णय सर समझता था और हम बिना सोचे समझे उस पर नहीं। तो आपको टिकट नहीं देने की क्या वजह मान सकते हैं, क्योंकि आप और JP भाई पटेल शामिल हुए, JP भाई पटेल को मिल गया, आपको नहीं मिला, दोनों एक ही जाति से हैं इसीलिए, या फिर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है इसलिए लग रहा है कट गया? अब काहे सोच, उम्र तो उनके सामने ना है, उम्र हम छिपा के तो नहीं रखे हैं, हमको पहले ही कह देते कि उम्र ज़्यादा है आप हट जाइए, है ना। जैसे रविंद्र पांडे का धनबाद में बहुत भीड़ था हाँ। तो बोले कि इनको ज्वाइन कराएंगे तो एक और हो जाएंगे उम्मीदवार हाँ। नहीं करवाए, तो हमको तो ओपन था कि उम्मीदवार ही न होने गए थे हम अच्छा। पार्टी का प्रचार करने के लिए तो नहीं गए थे। रविंद्र पांडे भी धनबाद से कैंडिडेट बनना चाह रहे थे इसलिए कांग्रेस में आना चाह रहे थे हाँ। तो देखा कि ऐसे ही धनबाद में बहुत भीड़ है तो उनको नहीं ज्वाइन करवाया हाँ, तो हमको भी नहीं ज्वाइन करवाते, हम जबरदस्ती थोड़ी ज्वाइन करना, हम तो अपने से डायरेक्ट किसी से कोई संपर्क भी नहीं किया, आप कांग्रेस के लोग संपर्क किए, उनका आदेश हुआ तब हम गए दिल्ली। लेकिन पिछली बार जब आप 2019 में निर्दलीय लड़े तो उस समय तो बहुत वोट आया नहीं, 30,000 के आसपास शायद आपका वोट था। सुन लीजिए, हम इसके पहले भी कई बार अच्छी वोट आई, इस बार जो कारण है ना कि मेरे ही वोट से BJP जीता है। अच्छा, मेरे ही नाम पर पिछली बार? हाँ, 19 में। तो मेरे कहिएगा कैसे, तो हमको 35 बरस से जनता वोट देते आ रही है और इसको BJP को कौन पैदा किया, जनसंघ को कौन पैदा किया, हम लोग जीरो से शुरू करके आज यहाँ तक लाए, और संयोग से जब निर्दलीय खड़ा हुए थे 67 में तो भी फूले छाप था, समझे ना, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का लड़े तो भी फूले छाप था, BJP में आए तो अटल जी कहे कि चौधरी जी आपका निर्दलीय छाप अब राष्ट्रीय छाप हो गया, तो उस समय से वोट देते आ रहा है। तो जो पुराने बूढ़े लोग हैं, बेटा समझा रहा है कि अब चौधरी जी का ये छाप नहीं है, फुटबॉल है, कहें कि तुम झूठ बोलता है, चौधरी जी का छाप है फूल। फिर BJP वाला कहाँ गए, किसको वोट दे, चौधरी जी को, तो चौधरी जी का कमल फूल है इसीलिए वो लोग तो जीते। और हम कम समय में हम कहीं जा नहीं सके ना, प्रचार नहीं कर सके, और अंतिम समय में हमको कहा गया कि आप रिजाइन की जाते, आप लिख के दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम उस गुस्सा में लड़ गए थे, अब प्रचार नहीं कर पाए, नहीं तो 30,000 का हम उसके पहले भी लड़े हैं तो अच्छी वोट आया है, इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट के लड़े तो 70-80 हज़ार वोट आया, तब BJP हमको टिकट दिया, इंडिपेंडेंट हम MLA का लड़े शुरू 2,500 वोट से हारे, उस समय तो जनसंघ जीरो था, दिया छाप,
तो हमको जनसंघ अभी बलबीर दत्त जीता जिंदा है, बाकी सीताराम मारू और नहीं रहे, चार पांच आदमी आए और वो लोग सोचे कि लड़का को देंगे टिकट तो जीत जाएगा, तो फिर वो लोग आया कह के फलाने दिन अटल जी आए आ रहे हैं ज्वाइन कीजिए, आपको अगले बार आप ही को टिकट देंगे। तो हम कहा कि हम विचार कर लेंगे, फिर लड़कों से विचार किए तो कहा कि हाँ अगर टिकट देगा तो ज्वाइन कर लीजिए, तो हम लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए, फिर हमको टिकट दिया कहाँ के से 25,000 वोट से 69 में हम जीत के गए। इस बार आप क्या देख रहे हैं बीजेपी की क्या स्थिति है? देखिए स्थिति तो खास करके यहीं की बात हम करेंगे, रांची में स्थिति ठीक नहीं है, मगर अब दोनों ऐसी ही है, अब इसी में जनता को निर्णय लेना, दोनों स्थिति में अब यही दोनों में निर्णय लेना है जनता, मतलब यशस्वनी साहब की भी स्थिति आप ठीक नहीं मानते हैं? नहीं ठीक नहीं है अभी, नहीं है इसलिए कि जनता जो चाहती थी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, इसलिए उनको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा कि मतदाताओं के बीच में जाइए, समझे, चूंकि मेहनत कीजिएगा तब ना, इतना अनुभवी आदमी है। नहीं नहीं हम लोग मेहनत हम काहे करेंगे, कैंडिडेट मेहनत करना है हमको जहाँ बुझाएगा, और हम तो कहाँ किसको मेहनत करेंगे, वहाँ के लोगों के राय विचार से करेंगे, उनकी सहमति से करेंगे, राय विचार होगा जबकि इनको मदद करना तो उनको मदद करेंगे, जिनको मदद करना उनको करेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ उस हिसाब से लग रहा है कि ये लोग फाइट कर पाएंगे? देखिए बहुत जगह टिकट का गड़बड़ी हुआ, बहुत जगह विरोध भी हो रहा है, यहाँ भी विरोध लोग कर रहे हैं, है ना, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो दिखेगा अंदर में, यूट्यूब में समय तो लोग चला ही रहा है। अच्छा। विरोध तो हो रहा है ऐसी बात नहीं है, विरोध के बाद क्या फिर आगे बनता है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्याशी नहीं है, सुभाष जी रहते तो उनको सब जानता है, बेटी को तो जानता नहीं है, तो साथ में घूम ही रहे, हाँ तो साथ में घुमाना पड़ेगा, परिचय कराना पड़ेगा, उसके बाद क्या समीकरण बनता है तो उसको तब पता चल, तब फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या करना है कहाँ, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट हैं कि जहाँ जो अच्छा देखेंगे, जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा, जो जीत सकता है वहाँ उस तरह से उसको संजय सेठ को भी सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं स्थिति और समय आने पर, अभी इसलिए हमने कहा कि उस पर निर्णय अभी कुछ हमने बताने, हम लोग बैठेंगे विचार करेंगे उस हिसाब से करेंगे बात। लेकिन चर्चा ये भी है कि रामटाल चौधरी अपने बेटे को टिकट दिलवाने या फिर पॉलिटिक्स में एंट्री करवाना चाहते थे? नहीं नहीं उस समय था, हमको मान लीजिए एक्स फैक्टर करके बीजेपी टिकट नहीं दिया, तो हमने कहा कि मेरा बेटा भी ग्रामीण अथी अध्यक्ष रहा है पार्टी का, उसको सब लोग जानते हैं, तो हमको नहीं तो बेटा को दीजिए, तो कहेंगे सोचेंगे, तो सोचते रह गए तो हम भी सोचते रह गए, उसके साथ भी बेईमानी हुआ। कांग्रेस में आप उनको लॉन्च करना चाह रहे थे? नहीं कांग्रेस में वो शामिल नहीं हुआ, बीजेपी में ही है, वो बीजेपी में भी नहीं है, हम न्यूट्रल हैं तो भी न्यूट्रल है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in